ज्यादा ज्यादा ऐसी से यहाँ नायब तहसीलदार से रिटायर हो जाते हैं। कल का लड़का, एक बाप को पता होगा जिसने उस लड़के ऊपर 30 से 35 लाख रुपए खर्चा है फारिग कराने तक, कैदा से लेकर 35 लाख रुपए खर्चा करने के बाद यहाँ फिर जेब में 10 लाख रुपए घूमता है कि रिश्वत देकर मैं भर्ती कराऊँ। 40% भी उधर चलाओगे तो लड़के कहाँ जाए, उस पर बात उठाना है असेंबली में, कोटा कम करो ना, लड़के रोजगार देना, तो इंडस्ट्री नहीं है, किसी चीज का नहीं है, ये असेंबली का काम है ये चीजें उठाना। ये ना हो कि इब्राहिम और फिदा यहाँ खड़े हो तो ये बस कानून को हाथ में लेंगे। कानून को तो आपने पाँव पर रगड़ दिया है, आपको ऊपर पर्चा करना चाहिए, हमारे हर कानून को ऊपर आपने पाँव के नीचे रगड़ दिया है, कोटा सिस्टम में रगड़ दिया है, दूसरे ये टैक्सों में रगड़ दिया है, एक गैर आइनी सूबे को टैक्स लागू ही नहीं होता है, तो कानून तो आपने खराब किया। हमने गरीबों को यहाँ कौन अमीर है, देखो 16 सीकल का अफसर यहाँ पे है ही नहीं, 10 लाख जिसका पैसा है वो भी यहाँ पर नहीं है, या हम जैसे गरीब ही लोग या खुदा को फरियाद करते हैं, उनको पर बड़े गलत करें, तबाह बर्बाद हो इनके पैसों से, वो इस्लामाबाद में ऐशी करें, गरीब इधर रगड़ दिखाएं। हम तो ये कहते हैं अमन पैदा करो, ये प्रोपेगंडे होंगे यार, वो अपने मकसद के लिए इस तरह होता है, ये अमूमन होता है यार, वो तो बिके हुए बिक जाएंगे, रात तो बिक जाएंगे, सुबह बिक जाएंगे अपने मतलब के लिए। मैं इब्राहिम यहाँ जब जो बाड़ी की मेम्बर है यहाँ चौक में, मैंने पकड़ के उसको भी कहा था यहाँ चौक अभी भी बैठे हैं, हमारा कोई सियासी मकसद तो फिर भी हमें दलील करे, हमारा कोई जाति मकसद है ना फिर भी हमें दलील करे, दुख होता है दुख। ये जो हमारे मुस्तकबिल है ना, मुस्तकबिल के लड़के हैं ना, उनको पर अगर हम अभी भी खामोश रहे जो जातियाँ बाद में होंगी ना, वो हमें पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं है। सी पैक जा रहा है, सी पैक अभी गवर्नमेंट भी मुख्ताज, अंदर चलने वाले भी मुख्ताज है, हम सी पैक के मुखालिब नहीं है, हम सी पैक के हामी हैं, गुजरे हमें तरक्की होगी, ठीक है कि नहीं। सी पैक में हमारा जितना हुकूक है, जितना हमारा हक है, वो हमें दिया जाए, दूसरों से गुजरता नहीं, उन्होंने अपने हक ले गए, शहबाज शरीफ ने अपना पूरा हक लेके अपना बना के फारिग हो गया, हमारा ये इब्राहिम क्या करता है, वो क्या करता है, ये टैक्स के खिलाफ क्यों, यहाँ तक इनकी सोच महदूद है, वो छोड़े ना इनको, छोटे छोटे पशुओं को छोड़ दे, लड़े वहाँ से लड़ के अपना हक लाएं, वफाक से लाएं, लड़े के बाद हमें आवाम में जो सहूलतें हमें देना चाहिए वो देना चाहिए। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, गला भी खुश हो गया, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि कोई भी ऐसे प्रबंध करते हैं यार, ये करते हैं वो करते हैं, कुछ भी नहीं करते, सवाए गरीबों का हक के अलावा कुछ करते हैं तो खुदा हमारा ही बेड़े का रख करे। अगर कोई जाति मकसद है या हमारा कोई सियासी एजेंडे में सियासी पार्टी से ताल्लुक ही नहीं है, न सियासी एजेंडा मकसद है न जाति कोई मकसद है, सिर्फ ये है कि अगर ये ही लोग आज नमाज के बाद दुआ करें तो बेड़े का रख करें वैसा भी हो जाता है। तो आप अमान में रखें, देखते हैं खुद भी कोई खोखा दुकान कोई वायलेशन करता है कुछ करता है आपके बाद में नहीं आता है, आदि विवाद में नहीं आता है, उनको भाईचारे से समझाएं, तोड़ फोड़ झगड़ा मगड़ा नहीं करें, भाईचारे से उनको समझाएं, तो ताकि सब कन्वेंस हो, हमारे मुतालबात आराम से हल हो। अच्छा।